रोहतक में सड़क पर निर्माण सामग्री डालने वालों के खिलाफ नगर निगम कार्रवाई करेगा, यह निर्णय शुक्रवार को निगम की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला नगर निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा ने की। दरअसल एनजीटी के चेयरमैन प्रीतम पाल सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अधिकारियों से कूड़ा निस्तारण को लेकर फीडबैक ली थी और इस संबंध में दिशा निर्देश दिए थे। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। जी सर, जो आज निगम की सभी ब्रांच हेड्स की मीटिंग हुई है, बेसिकली इसका मुद्दा था कि एनजीटी की सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी जस्टिस प्रीतम पाल की अध्यक्षता में, तो जो मुद्दे जो गैप्स हमें इंडिकेट किए गए जो हमारे हैं उन पे काम करने के लिए हम ये मीटिंग की थी कि वो जो काम जो है हम उनको ठीक ढंग से कस के। सबसे पहले तो हमारा जो गैप है सीएनडी वेस्ट का था, तो मैं सभी नगरवासियों से अनुरोध करूंगा कि जो भी कंक्रीट और डिमोलिशन वेस्ट है उसको लिटरिंग ना करें, सड़क पे मत डालें, और उनको हमारा जो साइट है सोनारिया में 8 एकड़ की साइट है जो हमने नोटिफाई किया वहीं डालें। और इसके बारे में मैंने एक पूरी टीम बना दी है जो डेली सीएनडी वेस्ट उठाएगी और जो लोग सीएनडी वेस्ट डालेंगे उनका चलान करेंगे, अब हैवी चलान करेंगे एनजीटी से। तो जस्टिन प्रीतम पाल का कहना है कि 31 मार्च से पहले सड़कों से, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, रेलवे लाइन से जितना भी कंक्रीट डिमोलिशन वेस्ट है जो लोग डाल देते हैं वो उठ जाना चाहिए, साफ हो जाना चाहिए। तो उसके बारे में हमने प्लान बनाई है और एक हमारी टीम काम करती रहेगी। सेकेंड हमारा गैप था ये 10% के करीब हम लैग कर रहे हैं काम गीला सूखा कूड़े का निस्तारण के बारे में, उसकी हमारी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। 90% पहले था, 90% किया। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम एक जो कंपेन चला रहे हैं और वो डेली बेस पे चलेगा, उसकी भी 4 टीमें बना दी गई हैं कि घर घर जाके, आज मेरी डिप्टी कमिश्नर से बात हुई है, घर घर जाके हम लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो खुद उस गीले कूड़े की खाद बनाएं और जो ये सोना है हमारे घर में जो गीले कूड़े के रूप में जिसे हम कहते हैं उसकी कंपोस्टिंग करें और खुद की किचन गार्डनिंग करें, और फालतू बस्ता अपने स्कूल में पार्कों में डोनेट कर सकते हैं आप। और बाकी अगर जो नहीं कर सकता उन नगरवासियों से मेरी आग्रह है कि वो गीले सूखे कूड़े को अलग अलग टीपर्स में डालें। इसके सिवा सभी नगरवासियों से मेरा अनुरोध है कि वो जैसे लू करना हो, पेशाब जाना हो या टॉयलेट जाना हो तो बाहर ना करें, सब जगह टॉयलेट्स अवेलेबल हैं रोहतक में, और भी बनाने जा रहे हैं तो उनका उपयोग करें। इसके बाद जो मीटिंग हमने की, 17th को हमारा रिव्यू मीटिंग है, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी राकेश गुप्ता जी आ रहे हैं, तो वो जो रिव्यू करेंगे उनका हमारी सीएम विंडो, सरल पोर्टल्स, मेजर प्रोजेक्ट्स हमारे अमृत के, उन सबका रिव्यू किया गया और जहाँ जहाँ कमियाँ थी, जहाँ जहाँ गैप्स थे वो डिस्कस किए, जो वो भी एक दो दिन में हम उनको फिर खत्म करके अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। 31 तारीख का जैसे आपने कहा कि भी लास्ट है, उसके बाद कोई कार्रवाई होगी अगर जो लोग नहीं मानते तो? नहीं, कार्रवाई तो आज से शुरू हो जाएगी, कल आज ही अभी फिर मीटिंग बुलाई है मैंने जब उन हेड्स की जिनको अलग अलग टीम्स का हेड बनाया गया है, तो उनको कार्रवाई तो आज से ही शुरू कर देंगे हम। और आपने देखा भी होगा पीछे भी एक हफ्ते से जो चलानिंग है हमारी काफी कंसिस्टेंट चल रही है, चाहे प्लास्टिक हो, प्लास्टिक बर्निंग हो, प्लास्टिक लिटरिंग हो, या कंक्रीट डिमोलिशन डालने की बात हो, चाहे इंक्रोचमेंट्स की बात हो, तो हम लगातार वो कार्रवाई कर रहे हैं। अब इसको और जोर शोर से इस कार्रवाई को चलाएंगे ताकि हमारा शहर बहुत सुंदर और स्वच्छ बने। कई जगह से लाइटिंग की बड़ी दिक्कत होती है, पानी की समस्या होती है, तो उसको लेकर के निगम किस तरह की कार्रवाई कर, क्योंकि बहुत जगह पानी और सीवर हमारा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट देता है, तो मेरी सबसे आग्रह है कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को अप्रोच करें और फिर भी किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो हमारे कंट्रोल रूम से में लिखवाएं और हम कंट्रोल रूम से हम उनसे टेकअप करेंगे पब्लिक हेल्थ से।